So, we were at Fleming's left hand rule. तो मान लीजिए कि देयर आर टू मैग्नेट्स, सो एक नॉर्थ है और एक साउथ है. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. सो मैग्नेटिक फील्ड विल कम आउट फ्रॉम नॉर्थ एंड इट विल मूव टू साउथ. अच्छा, इसके बीच में एक ऐसा वायर आ रहा है, ये फ्रंट की ओर आ रहा है, तो उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही है. तो अब हमें ये पता करना है कि ये जो वायर है, इस पर जो फोर्स लगेगा, क्या ये ऊपर की ओर लगेगा, ये वायर ऊपर उठ जाएगा कि नीचे चला जाएगा, कहाँ लगेगा फोर्स, क्योंकि फील्ड तो इधर है. तो फील्ड इधर है और लेफ्ट हैंड, सभी लोग अपना लेफ्ट हैंड खोलेंगे और लेफ्ट हैंड में अब एफ बी आई. जैसे ये एफ है तो ये एफ हो गया, इसमें एफ लिख लिया. ये बी है, फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफ बी, और ये आई हो गया. नो, तो तीन चीज हो गई. अब हम देखेंगे बी किधर है. बी समझ में आ गया आपको? देखो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, सो वेयर इज बी, बी इधर हो गया. अच्छा, आई इधर है, बोलो करंट इधर आ रही नहीं, देख लो आई लिखा है, आई इधर है, बी इधर है, इतना पता चल गया आपको? बताइए. बी बी पता चल गया कि बी इस साइड है और आई इस साइड है, तो फोर्स देखो किधर है. तो बताइए कुणाल, वायर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? वेयर विल द वायर गो? अगर करंट इधर है, फील्ड इधर है, फील्ड है नॉर्थ से साउथ जाती हुई. नाउ तो वेयर विल, ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, दैट देयर इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और ये वायर ऊपर चला जाएगा. तो फोर्स और मोशन. इसी तरीके से मान लीजिए एक ऐसा हो कि ये साउथ हो जाए और ये नॉर्थ हो जाए, और एक वायर ऐसा हो. अब देखिए, ये इसमें नॉर्थ से साउथ फील्ड जा रही है, तो सृजन अगर इस तरीके से ये फील्ड जा रही है और इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है, सो ये इस पर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, नीचे के ऊपर? उसको फिंगर खोल के देखा जा सकता है. जैसे बी किधर है, बी इस साइड है. अच्छा, बी इधर है, देखो बी है ये, फिंगर की तरफ बी ले लो, और इसके बाद वायर में करंट ऊपर है, दिस इज करंट, ये करंट हो गई, ये करंट हो गई, ये बी हो गई. तो फोर्स किधर लग रहा है बताएं? तो फोर्स लग रहा है ऊपर. तो आप लेफ्ट हैंड से, नहीं तो आप इसको अपने हिसाब से पूरा टर्न कर लो जिससे आपको ठीक लगे. तो अभी टर्न कर लिया, तो अभी बी इधर हो गया, और करंट कैसी हो गई? तो देखो करंट ऐसी आई, आई इधर हो गई, बी इधर हो गया, फोर्स ऊपर, फोर्स ऊपर लग रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से फोर्स ऊपर हो गया, तो ये पता किया जा सकता है. सो पेपर आप टर्न करने, कभी ऐसा हो कि हाथ ना टर्न कर पाए, देन देयर इज ए फैसिलिटी टू रोटेट द पेपर एज पर योर हैंड एंड फाइंड इट आउट. तो इस तरीके से किया जा सकता है. वरना एक और भी चीज है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि दैट इज, मान लीजिए कि एक प्लेन में एक आई है और एक बी है, और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है. तो आई एंड बी, ये आई और बी है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? यानी आई से बी चलो तो फोर्स ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा, यानी ये फोर्स हो गया. यही यही चीज यहां है. आप देख लो आई बी और एफ, कुछ भी ना हो तो ये पेन है,
पेन के कैप को आई से बी की ओर रोटेट करो, तो पेन का ढक्कन क्या खुल रहा है, तो ये जिस दिशा में जाए पेन का ढक्कन उधर फोर्स लगेगा, खुल गया। तो इस तरीके से ये भी देखा जा सकता है, इफ वी रोटेट द कैप ऑफ पेन, चाहे कोई भी राइट हैंडेड स्क्रू, जो भी स्क्रू है उसको आई से बी की ओर ले चलो, और वो जिस डायरेक्शन में स्क्रू जाए वही डायरेक्शन होती है, दैट इज इक्वल्स टू एफ की। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो साहब यहां पर भी मैक्सवेल्स रूल लगाएंगे कि अगर हमारा हाथ आई से बी जाए तो जो थंब है वही फोर्स है, कह रहे हैं हम इसकी रोटेशन करेंगे आई से बी, आई से बी, तो आई से बी रोटेशन का मतलब है तो ये परपेंडिकुलर, लेकिन आई से बी जाने पर, देखो आई से बी जा रहा हूं, आई से बी, फिर ये नेल किधर जा रही है, आई से बी, तो थंब किधर गया, फोर्स। ये सब ना करना चाहे, जिस सबसे अच्छा तो है जिसको ये हाथ का रूल पता चल गया, अपने लेफ्ट हैंड के तीनों फिंगर ऑर्थोगोनल कर लो, देन दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, नाउ लेट अस सी सम मोर टेम्पलेट्स फॉर दिस। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इसमें नॉर्थ से साउथ फील्ड जा रही है, देयर आर टू पोल्स, और भी है, इसका दूसरा पोल भी होगा विच हैज नॉट बीन शोन हियर, अदरवाइज यहां पर भी एक फोर्स होगा ही, ये देखो। और इसमें नीचे करंट फ्लो कर रही थी, इसमें ऊपर कर रही है, तो अब हम फिंगर को कैसे दिखाएं, बी तो इधर है लेकिन आई कैसे दिखाएं, इस फिंगर को पलट दो, बी को लॉक कर लो, बी को पकड़ लो, कह दो बी को नहीं जाने देंगे, और आई को पलट लो, देखो आई ऐसे भी हो सकती है, आई नीचे है लेकिन आई तो यहां पर ऊपर है, तो इस उंगली को पकड़ते हुए इसे पलट लो, तो जब इसे पकड़ लोगे तो आपका थंब कहां जा रहा है, ये देखो बी पकड़ लिया, फर्स्ट फिंगर बी होती है, सेकंड फिंगर आई, आई देखो आई इधर है तो बी पकड़ लिया, आई उधर चला गया, तो बोलो थंब कहां है, नीचे आ गया कि नहीं। सो इस तरीके से इस पर लगने वाला फोर्स कहां हो गया, नीचे, दिस इज आई, दिस इज एफ, तो ये वायर पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा। सो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी एक्सटेंड लेफ्ट हैंड, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो हम लोगों ने स्टेट कर लिया था ना, बताइए, चल ओके, ऑन बेसिस ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लेट अस अंडरस्टैंड। Now, principle of motor. तो अब हम इसके आगे इलेक्ट्रिक मोटर पर आते हैं। अच्छा, एक और भी चीज दी गई है कि MRI, एक आपके में मार्जिन में दिया है तो मैं बता दे रहा हूं, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप कर सको, जिससे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI, यानी हमारी बॉडी में जो अवर बॉडी इज फुल ऑफ चार्ज, जैसे अर्थ नेगेटिवली चार्ज है तो हम अर्थ के कांटेक्ट में रहते हैं तो हमारी बॉडी भी नेगेटिव चार्ज है, सो एज अर्थ इज नेगेटिवली चार्ज्ड, सो वी आर ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, दीज चार्जेस आर कंटिन्यूअसली फ्लोइंग थ्रू अवर ब्लड बाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो ये चार्जेस हमारे ब्लड के थ्रू आर कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, ठीक है, विद इन अवर बॉडी थ्रू ब्लड, और जब भी चार्ज चलेंगे तो क्या मैग्नेटिज्म होगा, ये ऑर्स्टेड ने बताया था कि चार्ज चल जाए तो मैग्नेटिज्म है, एंड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे एंड दिस फील्ड
इज टेकन ऑन पेपर, उसकी मैपिंग कर ली जाती है. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज सेंस्ड एंड टेकन ऑन पेपर. जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, टेकन ऑन पेपर. सो वेयर एवर इज द एरिया ऑफ डिफेक्ट, जहां पर भी डिसीज्ड पोर्शन ऑफ अवर बॉडी है, वहां पर ये चार्ज प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा या वहां पर ब्लड सही तरीके से फ्लो नहीं करेगा. सो एट द एफेक्टेड ऑर्गन, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डिस्टॉर्टेड होगा. फील्ड फाउंड डिस्टॉर्टेड, वो ठीक नहीं पाई जाएगी, अपभ्रंश पाई जाएगी. इन दिस वे द टारगेट ऑर्गन इज डिटेक्टेड, कि कौन से ऑर्गन में डिसीज है. सो इन दिस वे एफेक्टेड ऑर्गन इज डिटेक्टेड. तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि MRI क्या है, कि मैग्नेट जो हमारी बॉडी में है, सो हमारे बॉडी में माइक्रो एम्पियर 10^-6 एम्पियर की करंट फ्लो करती है, और उतनी करंट सफिशियंट है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, तो हम उसे देखते हैं. MRI. Here are the listings for MRI near Jodhpur. So, इसके लिए क्या किया जाता है MRI के लिए, कि आपको किसी एक ऐसा बेड सा होता है तो उसमें लिटाया जाता है. 10,000 रुपये इसके लिए चार्ज लगते हैं. जो भी रोगी होता है, हम आए दिन सुना करते हैं कि इनका MRI हो रहा है, उनका MRI हो रहा है. ऐसे बेड होता है, तो बेड में जो भी पर्सन होता है उसको लिटा दिया जाता है. बिल्कुल राउंड होता है, पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है. इट इज़ लाइक दिस, इस तरीके का बेड होगा और उसमें उसको डाल दिया जाएगा, और इसके अंदर जो भी है उसकी मैपिंग की जाएगी. चारों तरफ से जो भी है सेंस किया जाएगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड को, और फिर उसकी उसका जो मैप होगा दैट इज टेकन, कि किस तरीके से मैप आ रहा है. जैसे ब्रेन है तो उसकी कुछ इमेज बनाई जाएगी, कि अलग अलग तरीके से अलग अलग पोर्शन के थ्रू. जैसे ये देखो कि ऐसे इमेज बना ली जाएगी, तो ये मैग्नेटिक इमेज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की. तो इससे पता चल जाएगा कि कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं ब्रेन में कोई गांठ तो नहीं पड़ गई है. इस सम ट्यूमर इज देयर और नॉट, जैसे यहाँ पर आ रहा है तो डिटेक्टेड एफेक्टेड पोर्शन पता चल जाएगा, अरे यहाँ पर तो ब्लड जा ही नहीं पा रहा है. तो इस तरीके से जहाँ ब्लड नहीं जाएगा वहाँ पर फील्ड नहीं बनेगी, वो पोर्शन काला आ जाएगा. तो ये एक तरीका है मैग्नेटिक, जैसे यहाँ पर सिमिट्री नहीं आई, कहीं कुछ गड़बड़ आ गया. सो दैट इन दिस वे MRI से हम पता करते हैं कि क्या किया जाता है. नाउ दीज आर इमेजेस फाउंड थ्रू MRI. नाउ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो लेट अस इन ए सिंपल मैनर अंडरस्टैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. मेरी तरफ से आपकी तरफ है, यानी जस्ट सी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगा हुआ है कि हमारी इंडिकेटर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, मींस नीचे से ऊपर की तरफ. तो इस वायर पर जो फोर्स लगेगा वो थंब की डायरेक्शन में लगेगा, ये वायर डिफ्लेक्ट होकर लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाएगा. तो ऐसे ही फिंगर आपको खोलनी है. को एक्सपेरिमेंटल सेटअप में करके देखेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस तरह से काम. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए हम अपने इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर दोबारा आते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं करंट, तो आई के डायरेक्शन में देखो, आई ये पीछे से आगे आ रहा है. वायर में करंट की डायरेक्शन होगी पीछे वाले टर्मिनल से लेकर आगे वाले टर्मिनल, तो इधर आई कर लेना, ये आई है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ. तो अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ऐसे कर लेना, फिर इसको देखते हैं, ये नीचे कर लेना, इसको आपको देखना पड़ेगा की ओर. ये ऐसे आई और ये बी है, बी नीचे पीछे से आगे की ओर, पीछे से आगे की ओर.
तो फोर्स ये है, मैग्नेटिक इसको करके देखो अपने फिंगर से की तरफ, मींस ऊपर से नीचे की तरफ, तो इंडिकेटर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी ऊपर से नीचे की तरफ। आप भी ऐसा बना के देखो हाथ से, फोर्स की डायरेक्शन होनी जैसे चाहिए ये कर रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो अगर हम इस सेटअप में स्विच ऑन करेंगे तभी आप सीखोगे इसको, ऐसे ही करके देखिए। फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग वायर में डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए। एक बार ऑन करके देखते हैं। हाँ देखो, अब इसमें देखो ऑफ करके फिर ऑन करते हैं, फिर से देखो इसमें आपको ये देखना है आपके पास तीन फिंगर हैं, तो अब फिंगर में राइट हैंड में ये तीन उंगली खोल ली तो आई आगे है, देखो ये लेफ्ट हैंड करना, लेफ्ट हैंड रूल है तो लेफ्ट हैंड लगाना, आई को आगे करो तो सबसे पहले इसी से सीख जाओगे। आई देखो करंट जा रही है पीछे वाले टर्मिनल से आगे, तो आई वाली उंगली आगे रखोगे इस तरीके से मेरी तरह हाथ खोलो तो आई आगे करो, कर लिया ये तीन उंगली ऐसे खोलना, थंब ऐसे करना इधर की ओर, देखो ऐसे जैसे मैंने खोली है, और ये वाली उंगली सबसे नीचे जमीन में टिका दो। ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्या ये ऊपर से नीचे है, फील्ड कैसे है ऊपर से नीचे है, चेक करो देखो फील्ड कैसी है, तो फील्ड ऊपर से नीचे, तो ये जो फर्स्ट फिंगर है इसे ऊपर से नीचे ले जाओ, और आई को कैसे ले जाओगे, क्या सामने की तरफ अपनी तरफ ले जाओगे आई को, क्या आई को अपनी तरफ करो ठीक है। और इसके बाद अब थंब की पोजीशन देखो, थंब किधर गया, फील्ड नीचे आई अपनी तरफ, तो थंब किधर गया बताओ, थंब इधर गया, ये देखो थंब, तो थंब राइट की तरफ गया, तो इससे पता चल रहा है इस पे फोर्स लगेगा। और वही करके भी दिखाया कि अगर मान लीजिए इसे ऑन किया तो ये वायर किधर डिफ्लेक्ट हुआ, जरा चेक करो ये देखो हो रहा है कि नहीं, तो हम देख सकते हैं टुवर्ड्स राइट गया कि नहीं, लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन, ये करके भी दिखा रहे हैं आप, बस ऐसे ही करके देखो तभी पता चलेगा। फर्स्ट फिंगर नीचे की ओर फील्ड दिखा रही है, अगर हम मैग्नेट ये आगे है चेंज करते और ये उधर, चेंज करने के लिए हम अब जरा देखो फिर मैग्नेट को उल्टा कर देते हैं, मैग्नेट की डायरेक्शन बदल दी, अब बी ऊपर करना, अब हम देख सकते हैं और करंट जिधर है करंट उधर रखना, देखो इसकी फिंगर देखना तो पता चल जाएगा। अब हम पहले लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाते हैं, बी ऊपर है इसका, ये है बी, तरफ आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, करंट यही है, करंट की डायरेक्शन पीछे से आगे की, करंट लॉक कर लो, ये करंट इसे लॉक कर लो, पकड़ लो, अब बी ऊपर कर लो, फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है और इसको लॉक कर लिया, बी ऊपर साइड है और ये इधर आना चाहिए। अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, चेक करते हैं, हो गया, हम देख सकते हैं वायर में डिफ्लेक्शन बोलो बोलो बेटा साइड में आया। एक मिनट, एक बार फिर से चेक करते हैं। हाँ क्या कह रहे हो, देखो साउथ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, अब ये जो फिंगर है ना ये ऊपर रखना जैसे मैं कर रहा हूं, देखो फिर से देखो ये, यानी कि ऐसे ये आई है, आई अपनी तरफ, बी ऊपर की तरफ, बी ऊपर है, बी ऊपर कर लो बिल्कुल अपनी छत की तरफ, बी करो जहां आपकी सीलिंग है और आई अपनी तरफ, तो ये फिंगर ऐसे हो जाएगी। ऐसा किया आपने, छत की तरफ ये उंगली रखो और आई अपनी तरफ, सेकंड फिंगर, बोलो हुआ ऐसे आपसे कि नहीं। अच्छा क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनमें भी आई क्या है, क्या पीछे वाले वायर से आगे वाले वायर की तरफ है, ये देखो यहां से आगे तो आई आपकी तरफ ही तो आ रहा है, चेक करो आई आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही है आई, अब इसी ये आई ये उंगली और ये ऊपर जा रही है बी, तो ये फिंगर ये थंब इधर जा रहा है, तो इससे अब आप देखो मेरी ना समझ पाओ तो ये दिखा रहा है तो इससे भी समझ सकते हो। मैं इसे ऑन करता हूं, ऐसी इसी की तरह हाथ बनाओ, देखो ये ठीक हाथ दिखा रहा है, बी ऊपर आई आ था हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन। आज आपने देखा कि किस तरह से करंट कैरिंग वायर को फील्ड में रखने पर उस पर, तो इस तरीके से हमने फ्लेमिंग है लेफ्ट हैंड रूल भी देख लिया और प्रॉपरली ये भी चेक कर लिया कि ये होता भी है, ऐसा किया जा सकता है, इट कैन बी शोन वेरी वेल। अब जरा देखें कि नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर।
सो इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. नाउ अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर में हम इसमें सप्लाई देते हैं और ये क्या करती है, ये रोटेट करती है, ये चीज होती है. सो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या चीज होती है, इस चीज को हम देखें. मान लीजिए कि जैसे ये नॉर्थ है, नॉर्थ बना लिया, और ये साउथ है. दो पोल जैसे पहले लिए थे, सो ऐसे हमने साउथ ले लिया, नॉर्थ एंड साउथ. अच्छा, इसके बीच में हम क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे, बिल्कुल बीच में रख देंगे, रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली, और रेक्टेंगुलर कॉइल के बीच में एक एक्सिल है जिसके ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करेगी. एक्सिल ले लिया, एक्सिल लेने के बाद इस रेक्टेंगुलर कॉइल में यहां पर इसमें, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एक स्प्लिट पिन रहेगी जो इसके चारों तरफ आधी इधर इस पे, तो ये आधी इधर हो जाएगी और आधी उस साइड जो कि पीछे तक जा रही है, ये यहां तक जाएगी पीछे तक, जो यहां दिखाया नहीं गया ऐसे पीछे तक जाएगी. अच्छा, तो ये इस तरीके के पिन है, स्प्लिट पिन, यानी बीच से टूटी है, चूड़ी है जो बीच से इधर से भी काट दो इधर से भी काट दो. स्प्लिट पिन का मतलब है इस तरीके की पिन, ऐसी पिन. तो ये एक्सेल में हमने लगा दी. एक्सेल जो है नॉन कंडक्टिंग है, एक्सेल कंडक्टिंग नहीं, और इस पर इसे सिक्योर कर दी, दबा दी बिल्कुल अच्छी तरीके से, ग्रूव में डाल दी. और इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहां पर जैसे ये देखो कि ये वायर है, और वायर में क्या करेंगे कि देयर इज, इसमें एक कार्बन ब्रश है और यहां पर एक ग्रूव है, ठीक है. ये तो ये क्या कर रहा है, इसमें स्प्रिंग है, यानी ऐसी स्प्रिंग है, ऐसा समझो. ये दो दो स्प्लिट पिन ले ली, स्प्लिट पिन, ठीक है. अब जरा देखो, ये पूरे का पूरा सिस्टम, ये पूरे का पूरा सिस्टम रोटेट करेगा. ये ना सोचना कि ये और कहीं से, ये पूरा इंटीग्रल है, और इस चीज को कहते हैं आर्मेचर. द थिंग विच रोटेट्स इज कॉल्ड आर्मेचर. ये बीच वाली चीज रोटेट करेगी, क्यों करेगी, कैसे करेगी, हम बताएंगे आपको. लेकिन ये जो बीच में स्प्लिट रिंग है, इसको कहेंगे कम्यूटेटर. स्प्लिट रिंग, इसका नाम है कम्यूटेटर. अब देखो इसके, हाँ बताइए फिर से बोलो. एनीथिंग इशू बोलिए तो बताएं. तो अब जरा देखो कि ये स्प्लिट रिंग है, और स्प्लिट रिंग में यहां पर दोनों तरफ क्या है कि दिस इज, यहां पर हमने इसको वायर को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है. सो वायर इज गोइंग लाइक दिस, अब वायर इससे गया हुआ है, एक वायर इधर चला गया और एक वायर इधर चला गया, ये पूरी तरीके से घूमेगा. और इसके बाद इसमें एक हाउसिंग है, और हाउसिंग में काला सा ब्रश लगा हुआ है ये. तो इस तरीके से, यानी एक स्प्रिंग लोडेड इसमें से हाउसिंग गई है, और इसमें स्प्रिंग है और ये काला ब्रश है, यानी ये दबी हुई रहती है, जैसे प्लंजर दबा ना दो तो दबता रहेगा इससे. तो इससे क्या होगा कि ये जब रोटेट करेगा तो उसकी वजह से यहां पर ये इसको कंप्रेस करके रखेगा. कंप्रेस करने के, इससे हमें सिर्फ टैपिंग लेनी है, इससे सिर्फ हमें क्या करनी है कि जब ये रोटेट करेगा, हमने क्या किया है जरा ये देखो, हमने यहां पर एक सेल लगा दिया है और की लगा दी, जब हम चाहे ऑन कर दें तो इस पे हम सप्लाई दे रहे हैं. अगर सप्लाई दे रहे हैं और सीधी सप्लाई देंगे तब तो रोटेट ही नहीं कर पाएगा. हम चाहते हैं कि ये घूमता रहे, और घूमता रहे, और उससे क्या हो कि जब ये घूमता रहे तो इस कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर, ये स्प्रिंग लोडेड है,
और यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसको हमने सप्लाई दे दी। जरा फिर से देखें, तो अब यहाँ पर हमने सप्लाई दे दी, तो ये सप्लाई दे दी, ऐसे सप्लाई दे दी, ये चीज है। तो ये क्या होगा कि जब ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो ये आर्मेचर भी रोटेट करेगा, और ये सिर्फ दबा हुआ है। समझिए कि जैसे ये दो कम्यूटेटर है मेरा हाथ, तो यहां से कोई चीज बस इसको दबा के रखे और ये घूम सके, यानी ये ना हटे, तो इस चीज को कहेंगे कार्बन ब्रश। ये इसको कांटेक्ट में रखता हुआ घूमे, और ये स्प्रिंग लोडेड होगा, दबा के रखेगा, क्योंकि इसके पीछे स्प्रिंग लगी हुई है। तो ये चीज है कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश कैसा होता है कि उससे जो है कंडक्टिविटी हो जाती है, ये ग्रेफाइट का बना हुआ है, तो ये ऐसे से घूमेगा। और ये जो स्प्लिट रिंग है, ये कम्यूटेटर जो है ये कंडक्टर है, ये स्टील का है, तो ये दो स्प्लिट रिंग हो गई, ठीक है। और ये दो स्प्लिट रिंग बीच में एक्सल है, एक्सल पर ये घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है, और ये कम्यूटेटर है। हम इसको वीडियो में दिखाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इस चीज को क्या कहें, नेमिंग समझ लें, दिस इज आर्मेचर जो कि रोटेट होता है, ये आर्मेचर हो गया। अच्छा, इसमें जो फील्ड आ रही है वो कैसे आ रही है, क्या नॉर्थ से साउथ आ रही है? और ये जो बैटरी है क्या डायरेक्ट करंट दे रही है, क्या एक ही डायरेक्शन में करंट दे रही है? जरा चेक करो, यहां से करंट आई तो इस पे करंट आई, तो ये एंड इसमें बताओ करंट कैसी गई, क्या ऊपर गई? ऊपर गई। अच्छा, ये वाली करंट यहां से होती हुई अब यहां आई, तो इसमें करंट नीचे आ गई। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां ए बी में करंट है, और फिर ए से बी की ओर जा रही है, और यहां सी से डी आ रही है। अब जरा देखो इसमें, अभी हमने ऊपर ये सब बताया आपको कि नहीं, वही चीज यहां लगानी है कि जो ए बी आर्म है, तो ए बी आर्म में करंट ऊपर जा रही है। कैसे? क्योंकि ये प्लस टर्मिनल है, प्लस से निकलेगी, प्लस से निकली निकली निकली, और ये हमने बताया ये वाला एंड है, यहां पीछे कार्बन ब्रश है, तो ये रोटेट कर सकती है, यानी ये चाहे तो ऐसे से रोटेट कर सकती है कम्यूटेटिव, ये टच करे है, ये चाहे तो रोटेट कर ले ऐसे, ये नहीं जाएगा, ये ब्रश कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये रिंग रोटेट कर सकती है। तो ये यहां पर चूड़ी ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, और ब्रश इसको टच किए रहेगा। अब जरा देखो, यहां देखो करंट ऊपर है, फिर से यही हाथ खोल लो, आई को ऊपर रखो, आई लॉक कर लो, और इसे रोटेट करते करते बी की तरफ घुमाओ। ऐसा अपने हाथ से करिए कि जो सेकंड फिंगर है वो ऊपर जाती हुई, और बी इधर, तो थंब कहां है, क्या नीचे, क्या ऐसा आप कर पा रहे हैं? देखो आसान होगा, तीन फिंगर खोल लो, आई को ऊपर जाओ ए से बी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है नॉर्थ से साउथ, तो फोर्स किस पर लग रहा है? नीचे लग रहा है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इस वाले वायर पे किधर फोर्स लग रहा है? नीचे लग रहा है। ईशान, हैव यू अंडरस्टूड दिस? फिर से देखो कि आई इधर और बी इधर, और फोर्स नीचे, थंब फोर्स होता है, सो दिस इज अंडरस्टूड बाई यू, फोर्स नीचे। यस, समझ में आई बात कि नहीं? इसको करके देखो। ओके, अब आप इधर आओ सी से डी, तो जब सी से डी जाओगे तो आई किधर है? क्या नीचे? आई को नीचे कर लो, अब बी तो इधर होता है सेकंड फिंगर, तो थंब का क्या डायरेक्शन बना? अपवर्ड, तो इसे अपवर्ड करो। अब किसी एक चीज में अगर एक आर्म नीचे जाए और एक आर्म ऊपर जाए, तो क्या वो रोटेट कर जाएगी? वो रोटेट कर जाएगी। देखो, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सेल है, इसे कहते हैं जिसपे घूमता है वो एक्सेल है, तो इस पर रोटेट कर जाएगी। और ये फिर से समझेंगे इसको, कई बिल्कुल बिल्कुल वापस बताएं, बिल्कुल पूरा बताएंगे। सो इसमें क्या चीज है, एक पे अगर नीचे फोर्स लग रहा है और एक पे ऊपर फोर्स लग रहा है, तो वो चीज क्या होगी? क्या वो चीज, जैसे एक है ये पेन ले लो, इस पे एक तरफ ऊपर फोर्स लगाओ एक तरफ नीचे, तो क्या ये रोटेट होगा? देखो ऊपर फोर्स नीचे फोर्स, ऐसे ही समझ लो, ऊपर फोर्स और नीचे फोर्स, तो इसलिए ये चीज रोटेट होगी। तो ये रोटेट होने लग गई कि नहीं? आपने सिर्फ क्या दी थी इसको, क्या इलेक्ट्रिसिटी?
और ये पूरा रोटेट होने लग गया, बताइए। तो अगर ये रोटेट होने लग गया है तो इस ये अगर रोटेट होगा तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसी एक्सेल में बहुत सारे ऐसे हम कप लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, जब ये रोटेट होगा तो एक तरफ से पानी उठाएगा और ऊपर चढ़ाएगा, फिर उसके सारे कप हैं, बहुत सारे फैन लगे हुए, तो नीचे से पानी ले लेके ऊपर चढ़ाते जाएंगे, तो पानी लेंगे ऊपर चढ़ाते जाएंगे अल्टीमेटली, और इससे पाइप से पानी ऊपर चला जाएगा पाइप से, तो ये कहीं ना कहीं से पानी इकट्ठा करेगा, इधर से पानी आया और यहां से लेके ऊपर, ये पूरा बंद है तो एक्सेल में, और इस तरीके से मोटर रोटेट, या मोटर रोटेट कर गई तो सारी दुनिया तो इलेक्ट्रिक मोटर पर ही है आपका, चाहे तो वाटर पंप हो या मिक्सर हो, ग्राइंडर हो, व्हीकल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, सारी चीज ऐसी मेरे ख्याल से ज्यादातर इलेक्ट्रिक अप्लायंस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक फैन हो, ये सब इलेक्ट्रिक मोटर पर ही तो एक्ट करते हैं, ब्लोवर हो तो सब में मोटर लगी रहती, छोटे छोटे डिवाइस में मोटर लगी रहती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर आप समझ गए कि किस तरीके से है। नाउ अब जरा देखो कि ये होती किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन, फिर मैं प्रवीण का डाउट क्लियर करूं। नाउ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, electric motor works. An electric motor converts electrical energy to mechanical energy. An electric motor consists of a rectangular coil of insulated copper wire. The coil is placed between the two poles of a magnetic field. The ends of the coil are connected to the two halves of a split ring. The inner sides of these halves are insulated and attached to an axle. The external conducting edges touch two conducting stationary brushes. Current in the coil enters from the source battery through conducting brush and flows back brush to the battery current through hai. The other brush. लेकिन कभी कभी ये इसमें करंट जो है एक से दूसरे में आ जाती है, वो बताएंगे। Find the direction of the force on a current carrying conductor in a magnetic field, we find that the force acting on arm AB pushes it downwards, while the force acting on arm CD तो हमने दो फोर्स देखे, इस पे डाउनवर्ड और इस पे अपवर्ड, उससे इस पे एक रोटेशनली फोर्स लग रहा है, रोटेशनरी फोर्स, ये रोटेट कर रहा है। At half rotation, Q makes contact with the brush X. Now see that here we have seen, इस चीज को और अच्छी तरीके से समझते हैं फिर से कि इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके का है, इसका सर्किट डायग्राम क्या है, एंड इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, रोटेशनल एनर्जी में बदल रहा है। सो दैट वी कैन सी हियर दैट देयर आर टू फिक्स ब्रशेस जो कि कार्बन ब्रश हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि इस तरीके से दीज आर कार्बन ब्रश, तो वो स्प्रिंग लोडेड ब्रश हैं जो इसको क्या करेंगे, कम्यूटेटर को, ये है, ये फिक्स है, और इससे होते हुए कम्यूटेटर गया है, सर्कुलर कम्यूटेटर ये, तो कभी ये इधर वाले को टच कर लेगा और कभी वो दूसरे वाले को टच कर लेगा, ये सेकंड कम्यूटेटर है वो है। सो इस तरीके से वी आर सीइंग दैट देयर आर टू कम्यूटेटर्स, तो वन इज लाइक दिस एंड अदर इज लाइक दिस, दीज आर टू कम्यूटेटर्स, ओके। सो अब ये जो कम्यूटेटर्स हैं, These are passing through एक्सल, तो दो कम्यूटेटर है, एक को इधर कार्बन ब्रश ने सिक्योर कर रखा है और एक को इधर से कार्बन ब्रश ने सिक्योर कर रखा है, तो ये रोटेट करता रहेगा और रोटेट करेगा, ये यहां पर की हो गया, सो ये रोटेट करेगा इसी एक्सल पर, बीच में एक्सल है, तो अभी इसको कॉन्टेक्ट किए इस वाले, और फिर ये पीछे तक एक्सल गया है, इस एक्सल पर, यहां पर
ये देखो एक स्प्लिट रिंग है और ये दूसरी स्प्लिट रिंग है, ये रोटेट कर सकती है। सो दिस कैन रोटेट। कैसे रोटेट करेगी? क्योंकि इससे हमने वायर वेल्ड कर रखे हैं और जो वायर वेल्ड हैं वो वायर वेल्ड होकर एक इस तरीके से जा रहा है और फिर जब ये वापस आ रहा है तो वो वायर इस पर वेल्ड है। तो अगर वायर रोटेट कर गया तो क्या कम्यूटेटर रोटेट कर जाएगा? अगर वायर रोटेट कर गया तो कम्यूटेटर एक्सल पर रोटेट कर जाएगा। सो इस ये सिर्फ एक वायर नहीं है, देयर आर ए वाइंडिंग्स, करीब 100 वाइंडिंग 200 वाइंडिंग होंगी। हम यहाँ एक दिखा रहे हैं क्योंकि जितने ज़्यादा वायर होंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स दैट इज BIL हमने बता दिया था, मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ ऑफ वायर, तीन चीज पे डिपेंड करता है। ये देखो यहाँ पर मैंने नॉर्थ पोल रख दिया है और यहाँ पर साउथ पोल रख दिया है। ये जो हैं दीज ब्लैक आर, ये कार्बन ब्रश B1 एंड B2, तो B1 एंड B2 आर द कार्बन ब्रश जो इसके साथ कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं। एंड दीज आर स्प्रंग लोडेड प्लंजर, ये जो B1 एंड B2 हैं ये क्या हैं? दीज आर कार्बन ब्रशेस, स्प्रिंग लोडेड प्लंजर। और दिस इज कम्यूटेटर की स्प्लिट रिंग है, इसमें दो स्प्लिट रिंग है, एक तो ये है जो कि अब नीचे का तो नहीं दिखाया जा सकता, एक स्प्लिट रिंग का ये पोर्शन है और दूसरी स्प्लिट रिंग का ये पोर्शन है, ये रोटेट करेगी इस पर, बाकी बीच में एक्सल है तो ये एक्सल हो गई, इसी पर रोटेट करेगी। तो ये इसको रोटेट करेगी और अभी जरा देखो ये एंड हमेशा प्लस और ये माइनस है, तो ये एंड हमेशा प्लस बना हुआ, ये माइनस है। अभी ये ए से बी में सप्लाई दे रही है ये, और फिर ये सप्लाई इधर आती हुई सी से डी की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है। तो ये यहां पर फील्ड लाइंस हैं। अब हम अपना हाथ बनाएं इस तरीके से, देखो हम इसका एक और फिगर बनाएंगे हाफ रोटेशन के बाद क्या स्थिति होगी। अभी तो ये इसको दबाए हुए, दोनों तरफ से इसको दबाए हुए और ये बीच की चूड़ी है, तो अभी ये रोटेट कर जाएगी क्योंकि आगे अगर इस पर फोर्स लगेगा तो इसके साथ ये वेल्डेड है तो इसे भी रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करते ही अभी S1 स्प्लिट रिंग का पार्ट है वो B1 के कांटेक्ट में है और जो S2 स्प्लिट रिंग है वो किसके कांटेक्ट में है? वो B2 के कांटेक्ट में, ये S2 वाला है, आधा वाला उसके कांटेक्ट में, आधा वाला इसके। ये हमेशा निगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन आधे टर्न के बाद ऐसा नहीं रहेगा, S2 B1 के कांटेक्ट में आ जाएगा और S1 जो है घूम के उसके कांटेक्ट में चला जाएगा, देखें तब क्या होता है। अभी जरा देखो बी को उधर दिखाओ, ये बी है, बी इधर दिखाया, आई, ये आई है, आई इसमें कैसा ऊपर है, आई को ऊपर लॉक करो और बी को इधर दिखाओ, तो बोलो फोर्स कैसा है ए बी में, दिख रहा है? अपने हाथ से करोगे तभी दिखेगा, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। बोलो बात समझ में आई? अनीशा बताओ, तो इस पर फोर्स डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड दिखा दो। अब अगला देखो, अब आई, आई नीचे लगाओ क्योंकि ऐसे जा रहा है और बी इधर क्योंकि ये उस डायरेक्शन में जबकि करंट है। अब ये थ्री डायमेंशनल फिगर है लेकिन इसे ऐसे बनाया नहीं जा सकता, आप सोचो कि थ्री डायमेंशनल है तो यानी बी उधर जा रहा है और आई नीचे जा रही है बात कि नहीं, परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो इस तरीके से आई नीचे जा रहा है, ये नीचे इसमें करंट है, बी इधर, तो बोलो फोर्स कहाँ है? अपवर्ड है, तो इसमें अपवर्ड करो, तो ऐसी स्थिति में ये फोर्स नीचे और अपवर्ड है। इफ ए पेयर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग विच आर इक्वल, अगर एक पेयर ऑफ फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट हो तो क्या वो टॉर्क पैदा करते हैं, क्या वो रोटेशन पैदा करते हैं? तो एक एक चीज पर इधर फोर्स लगाओ, एक चीज पर उधर, तो उससे टॉर्क पैदा होता है। जाम का डिब्बा भी खोलते हैं तो एक उंगली से उधर घुमाते हैं, एक से इधर, तभी तो खुलता है, बॉटल का ढक्कन, तो क्या हम उससे टॉर्क पैदा करते हैं? एक उंगली से तो जाम नहीं खुल पाएगा, समझ में आई बात कि नहीं? तो जब दोनों आर्म पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं देन इट विल प्रोड्यूस अ टॉर्क, तो इस एक्सिस पर क्या वो प्रोड्यूस करेंगे? टॉर्क, रोटेशनल फोर्स। और ऐसा होने से अब एक थोड़ी देर बाद स्थिति ये आ जाएगी, रोटेट कर जाएगा,
और रोटेट करने के बाद अब क्या होगा, रोटेट करने के बाद इसी एक्सल पर ये, तो ये देखिए, तो इसी एक्सल पर ये कार्बन ब्रश अभी भी यहीं पर ही है, कार्बन ब्रश कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि वो तो स्टेशनरी है, वो स्प्रिंग लोडेड है, वो जाएगा भी कैसे, इसको हाउसिंग में रख दिया है, ये कहीं जा भी नहीं सकता, ऐसे उसको दबा के रखे, ये देखो। और ये आपका एक स्प्लिट रिंग है, और इसी तरीके से जो दूसरी स्प्लिट रिंग है वो ये है, और बीच में एक्सल आया हुआ है ये। तो अब जरा देखिए, उधर से दूसरा कार्बन ब्रश है जो इसको स्प्रिंग लोडेड है ये, तो ये दोनों इसको पकड़े हुए हैं, इसको जाने नहीं देंगे, घूम सकते हो लेकिन जा नहीं सकते। अब जरा देखो, यहां पर ये बीच में एक्सल है, इस पर रोटेट कर रहा है। अब ये आधा टर्न घूम गया आफ्टर रोटेशन ऑफ हाफ टर्न, तो क्या ये जो चीज है, जो ए बी है, वो उधर चली जाएगी क्या? ये देख लो, ये ए है, ये बी है, तो अभी ए बी इधर है और ये सी है और ये डी है, क्या अब इसका रोटेशन देखो, क्या ये जब रोटेट करेगा तो ये पलट जाएगा क्या? भाई हाफ रोटेशन हुआ कि नहीं, पलट गया, ये बीच का जो रेक्टेंगुलर क्वाइल, क्वाइल ही तो है रेक्टेंगुलर क्वाइल, ये पलट गई, ए बी सी डी इधर पलट गई। अब क्या ये चीज ए हो गई, बोलो, और ये क्या हो गई यहां पे, बी, और ये देखो सी, जहां डी लिखा है वहां डी लिखो, तो ये डी हो गई, और ये क्या हो गई, सी। सो आफ्टर हाफ टर्न ये पलट गया, जो बिल्कुल हाफ टर्न की बात कर रहा हूं, ये चीज इधर आ गई, तो मैं सी डी इधर बना दूं, पलटने के बाद कॉइल क्या हो जाएगी, ये इसमें, इसमें जोड़ दीजिए, ये इसमें जोड़ दिया। सो दिस इज नाउ ए बी उधर चला गया, जब कोई चीज रोटेट कर गई तो ये वाली आम उधर चली गई और उधर वाली इधर आ गई, सी ऊपर ही रहा, डी नीचे हो गया, ए नीचे ही रहा, डी ऊपर हो गया। ये है आफ्टर हाफ टर्न, हाफ टर्न। तो हाफ टर्न के बाद क्या जो एस टू ब्रश है, क्योंकि ये जो चीज है ये भी तो घूम गई, ये चली गई उधर और उधर वाली चीज इधर आ गई क्या, जो एस टू वाला कम्यूटेटर है वो इधर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, ये घूम नहीं जाएगा नीचे वाला, नीचे की चूड़ी, तो ये चीज उधर चली गई और उधर वाली चीज इधर आ गई, तो S2 इधर आ गया और S1 उधर चला गया, रोटेट करते ही। तो यहां लिखो B1 के कांटेक्ट में क्या आ गया, S2, और B2 के कांटेक्ट में क्या आ गया, S1। अच्छा, इसमें स्टिल नाउ द सेम करंट कीप ऑन फ्लोइंग, करंट तो वही फ्लो करती रही, ये प्लस टर्मिनल है ये माइनस, तो क्या स्टिल इस केस में भी जो करंट है, अगर आप 3D डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बस इसको थोड़ा सा तिरछा कर दो, बस ये, और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये है टर्मिनल, एक मिनट ऐसे बना लीजिए, जस्ट होल्ड। Now, so after half turn के बाद क्या होगा, इसको हटा दो, ये अब थोड़ा सा लग रहा है कि 3D type है।
कैसे बना, दिस इज नॉर्थ दिस इज साउथ। हाँ, जो आर्मेचर की आर्म्स है उसकी पोजीशन बदल गई है, अब S2 पास में आ गया है, तो S2 के थ्रू ये जो प्लस है, तो क्या प्लस से करंट आई, आई यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, तो क्या इसमें से ऐसे जाएगी, बोलो। पहले S1 इसके कांटेक्ट में था, तो यहाँ से प्लस से करंट आई, ऐसे आई, ऐसे आई, और ऐसे आने के बाद फिर क्या यहाँ से गई, और फिर यहाँ से लौटी लौटी, फिर ऐसे आ करके निगेटिव एंटर कर गई। अब क्या हुआ, अब ये जो चूड़ी है, आधी चूड़ी जो इधर की थी वो उधर चली गई, और उधर वाली जो चूड़ी थी वो घूम के इधर आ गई, तो अब S2 इधर आ गया। अब जब S2 इधर आ गया है, सो ऐसी स्थिति में S2 में, S2 से होते हुए अब D से C करंट जाएगी, क्योंकि प्लस से करंट निकलती है और माइनस में जाती है, तो प्लस से निकली, B1 के कांटेक्ट में अब S2 है, पोजीशन बदल गई, चूड़ियां बदल गई, आधी आधी चूड़ी तो है, तो इससे ये S2 से होती हुई करंट ऐसे निकली, फिर यहां गई, और ये अगर B और I अलोंग है तब कोई फोर्स नहीं लगेगा। आप कहोगे CD ये वाली आम पे तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये एक ही डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर होना चाहिए I और B को, तभी फोर्स लगेगा, ये तो उसी डायरेक्शन में। और इसी तरीके से ये एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, इसलिए CD और AD की बात नहीं करनी है, इसलिए CD और AB की बात नहीं करनी है, परपेंडिकुलर होगा तभी होगा। अब जरा देखो, क्या अब उल्टा फोर्स लगने लगेगा निशा, जबकि ये बदल गई है पोजीशन, कि नहीं? अभी क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम लगेगा, क्योंकि भले ही आर्म बदल गई हो लेकिन करंट तो अभी भी वही है। क्या इसमें अभी भी वैसा ही करंट है, चेक करो जैसे ऊपर था, क्योंकि बी का काम है करंट यहां से फीड करना, चाहे ये चूड़ी आए चाहे उधर वाली आ जाए, सर्कल सेमी सर्कल उससे क्या लेना देना, वो उसी आर्म में फीड करेगी। तो हाफ टर्न के बाद अब भी जो करंट है वो डी टू सी जा रही है, डी टू सी जा रही, तो ये जो आई है, आई को ऊपर लॉक कर दो, बी को इधर लॉक कर दो, बी का मतलब है कि फोर्स। जरा चेक करो कि आई है, सेकेंड फिंगर को उधर लॉक करो, खुद करके भी देखो, और बी को इधर, तो क्या फोर्स नीचे हो जाएगा, चेक करके देखो, तो क्या इज इट सो, आई ऊपर, ठीक है, और ये देखो फर्स्ट फिंगर इधर, आई ऊपर, तो ये फोर्स नीचे, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो फोर्स को क्या मैं नीचे बना दूं, इसमें ये करंट है। अच्छा, उस वाले में देखो, आई को नीचे, आई नीचे करिए, बी अभी भी उधर है, तो फोर्स कैसा है, आई नीचे बी इधर, तो फोर्स कैसा, अपवर्ड। तो एक में अपवर्ड है और एक में डाउनवर्ड है, तो इसका क्या मतलब है कि ये चीज नीचे जाएगी और ये ऊपर, तो ये कौन सा रोटेशन है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, ये नीचे और ये ऊपर, ये कैसा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये इस तरीके से रोटेशन होगा, यानी इसका रोटेशन नहीं बदलेगा। कम्यूटेटर इंश्योर्स That after half turn polarity of the wire changes so that force continue to act in same direction and it produces torque. Torque का मतलब rotationary force in same direction and armature continue to rotate in same direction. तो ये rotate करती रहेगी और इस तरीके से motor चलती रहेगी। Armature का काम यह है कि half turn के बाद polarity को बदल देना। अब जरा देखो कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग क्या है, फिर इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये सारी चीजें अब हम देखेंगे। नाउ प्रिंसिपल, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब समझो, किसी भी चीज में काम में ले सकते हो मैकेनिकल एनर्जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, कभी कभी इससे गाड़ियां चलती हैं, फिर उसी रोटेशनल से, आप कहोगे मोटर तो रोटेट कर रही है, फिर ट्रक आगे क्यों जा रही है, क्योंकि व्हील के माध्यम से हम उसे आगे बढ़ा लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है।
तो वास्तव में इलेक्ट्रिक, अगर आप सीधा देखो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, और काइनेटिक एनर्जी खुद दो तरीके की होती है, एक होती है ट्रांसलेशनल यानी लीनियर काइनेटिक एनर्जी, जैसे कोई चीज़ सीधे भागी चली जा रही है, एक होती रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज़ चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, सीधे चल रही है तो उसमें होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है रोटेशनल। हमारे केस में ये रोटेशनल में बदल रही है, फिर चाहे हम टैप करके दूसरी तरीके से कर लें। सो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये इसका प्रिंसिपल है, एंड इट वर्क्स ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है, दैट When a current carrying wire, when a current carrying, यही है इसका प्रिंसिपल, wire is kept in magnetic field, तो क्या आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा, फील्ड, then it experience a force, ठीक है, एंड फर्दर देखो, व्हेन एन आर्मेचर या रेक्टेंगुलर कॉइल, तो पहली बात तो है प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल दैट, इस चीज को मैंने आपके लिए लिखा है, इसकी जरूरत नहीं यहां से लिखना, व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इस, ठीक है, केप्ट, व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर क्वाइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सीजन इस सेंटेंस को पूरा करो, अगर एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा, देन इट एक्सपीरियंस, बोलो अनीशा, इट एक्सपीरियंस, इट एक्सपीरियंस ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जिसको कि टॉर्क भी कहते हैं या रोटेशनरी फोर्स भी कहते हैं ना, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, फोर्स ऑन इट्स आर्म्स, उसकी आर्म्स में, जिसे आप क्या कह सकते हो, जिसे टॉर्क कह सकते हो, टॉर्क का मतलब है रोटेशनरी फोर्स, या इसे यह भी कह सकते हो कपल, इट एक्सपीरियंस है, कपल क्या होते हैं, मैरिड कपल भी क्या होते हैं, दो डिफरेंट जेंडर के होते हैं, अलग उनकी फीलिंग होती है, अलग सेंटिमेंट्स होते हैं, तो जो चीज अपोजिट हो उसे कपल कहते हैं, तो यहां भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो उन्हें कपल कहेंगे, ये है इसका प्रिंसिपल, व्हेन ए रेक्टेंगुलर क्वाइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग, तो इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ये चीज है, एंड आर्मेचर रोटेट्स, तो ये तो बात हो गई प्रिंसिपल, फिर इसके बहुत सारे यूजर्स हैं, हर जगह इसका यूजर्स है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखें, सो कंस्ट्रक्शन क्या है, सो इन दिस ए रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, सर्कुलर नहीं, क्वाइल इज प्लेस्ड बिटवीन पेयर ऑफ मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, पेयर ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है, द ओपन एंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर क्वाइल इज कनेक्टेड,
So the other end of rectangular coil is connected to split ring, जिसको कि कम्यूटेटर कहते हैं, क्योंकि वही कम्यूनिकेट करती है, वही तो करंट फीड करती है, तो कम्यूटेटर कहते हैं ये। इट इज कनेक्टेड, यानी वेल्डेड भी कह सकते हो, ठीक है। द पर्पज ऑफ स्प्लिट रिंग इज टू चेंज द पोलैरिटी इन आर्म्स आफ्टर ईच हाफ टर्न। So that इससे क्या होगा, टॉर्क कंटिन्यू टू एक्ट इन सेम डायरेक्शन। टॉर्क का मतलब रोटेशनरी फोर्स। तो अगर वो पोलैरिटी चेंज कर देगी तो उससे क्या होगा कि जो टॉर्क है, ठीक है, जिसको कहते हैं रोटेशनरी फोर्स या आघूर्ण, हिंदी में आघूर्ण कहते हैं, रोटेशनरी फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट इन सेम डायरेक्शन। यह स्प्लिट रिंग रोटेट्स ऑन एक्सल। स्प्लिट रिंग किस पे रोटेट करती है? स्प्लिट रिंग अलोंग विद, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल सिर्फ एक नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, बहुत सारी होंगी, अभी दिखा देंगे वीडियो में। रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, सो रेक्टेंगुलर कॉइल भी जो बनी होगी वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर कॉइल होगी, ऐसे बना लेते हैं ये और इसी में लपेटते रहते हैं बहुत सारी कॉइल, ये ऐसे, तो इसमें लपेटा, फिर यहाँ पर इसमें ग्रूव बना लेंगे, तो ग्रूव में फिर फंसी रहती है, फिर यहाँ से नीचे जाके फिर यहाँ भी ग्रूव बना रहेगा, तो उस ग्रूव में फिर डाल देंगे, फिर यहाँ से फिर एक लेके आएंगे, फिर इसी में फंसा देंगे, फिर लेके आएंगे, इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे चलती रहती है, तो उसे रेक्टेंगुलर बना देते हैं इस तरीके से। और फिर उसी को आगे अगले, इसी में क्या है कि दूसरी एक्सल है, और उसी एक्सल में ये जो इसका ओपन एंड है, तो यहाँ पर अब ये स्प्लिट रिंग लगा दी ऐसे, ये स्प्लिट रिंग है, तो एक स्प्लिट रिंग का कनेक्शन इससे, एक स्प्लिट रिंग का इससे, तो इससे वेल्ड कर दिया ये ऐसे तो ये स्प्लिट रिंग है, ये पीछे से भी है, तो आधा आधा है, आधा पोर्शन ये, आधा पोर्शन ये, तो इस तरीके से स्प्लिट रिंग अलोंग विद रेक्टेंगुलर कॉइल, ये जो घूम रहा है स्प्लिट रिंग और ये सब किसी न किसी, इसके बीच से एक एक्सल गया हुआ है, उस पर घूम रहा है, ये है एक्सल जिस पर स्प्लिट रिंग घूम रही है, तो इसको कहते हैं एक्सल। ये कभी नहीं घूमेगा एक्सल, बाकी ये रोटेट करेगा। इट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं आर्मेचर, जो घूमेगा वो आर्मेचर, कॉल्ड आर्मेचर। सो आर्मेचर रोटेट्स इन वन डायरेक्शन ड्यू टू कम्यूटेटर। आर्मेचर रोटेट्स इन वन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भी चलाओ, एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसी करंट की पोलैरिटी होगी, हमने प्लस उधर रखा था, अगर आप बैटरी पलट दोगे तो क्लॉकवाइज चलने लगेगी। इन वन डायरेक्शन ड्यू टू कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का यही वर्क है कि एक ही तरफ इसे चलाए, नहीं तो पंखा आधा ऐसे चले आधा उल्टा चले तो क्या हवा देगा। अब देखो स्प्रिंग, ये जो स्प्लिट रिंग इज टैप्ड ऑन बोथ एंड बाई स्प्रिंग लोडेड कार्बन ब्रशेस, यहाँ स्प्रिंग लोडेड कार्बन ब्रशेस है, वो इसके दबा के रखते हैं,
तो यहाँ से ये स्प्रिंग लोडेड कार्बन ब्रशेस है वो हाउसिंग में है, तो ये पोर्शन है इसको दबा के रखेगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये इसको कॉन्टैक्ट तो देगा लेकिन इसके अंदर एक स्प्रिंग पड़ी है सो दैट इट इज एबटिंग इट। सो स्प्रिंग लोडेड कार्बन ब्रशेस आर टैपिंग टू कम्यूटेटर एंड द स्प्रिंग ये कम्यूटेटर स्लाइड्स ऑन कार्बन ब्रशेस। सो करेंट इज फेड टू कम्यूटेटर थ्रू स्प्रिंग लोडेड कार्बन ब्रशेस, ये ब्रश है, और यहां पर नॉर्थ हो जाएगा और यहां पर साउथ हो जाएगा। करंट इज फेड टू कम्यूटेटर, जब मैं कम्यूटेटर बोलूं तो आप स्प्लिट रिंग समझिए, टूटी हुई चूड़ी, थ्रू कार्बन ब्रशेस। विच आर स्प्रिंग लोडेड, और ये घिस भी जाते हैं और फिर घिसने के बाद इन्हें बदलना पड़ता है, करीब एक साल दो साल बाद बदलना ही पड़ता है क्योंकि यही घिसता रहता है ना। विच आर एबटिंग, ठीक है, सो द स्प्रिंग कार्बन विच आर स्प्रिंग लोडेड, ये क्या होते हैं, विच आर स्प्रिंग लोडेड एंड इन कॉन्टेक्ट विद, ऐसे लिख लो, एबटिंग ना लिखना चाहो, स्प्रिंग लोडेड एंड रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद स्प्लिट रिंग्स एंड सेल्फ आर कनेक्टेड टू सम सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये खुद किससे कनेक्टेड है, टू सम बैटरी, ये खुद बैटरी से कनेक्टेड है थ्रू की, की या स्विच, ऐसा है। अब ये वर्किंग कैसा है, वर्क कैसे करेगा, व्हेन की इज पुट ऑन देन द करेंट फ्रॉम B1 कार्बन ब्रश एंटर्स इन AB आर्म थ्रू S1 पार्ट ऑफ स्प्लिट रिंग। तो B1 कार्बन ब्रश में ये S1 स्प्लिट रिंग के थ्रू जाती है एंड मूव्स फ्रॉम A टू B। एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर मैग्नेटिक फील्ड। सो अंडर मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये चीज है नाउ, ओके, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है, ओके, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाइल करंट इन CD आर्म। तो CD आर्म में कैसा होता है, तो CD आर्म में देख लीजिए, CD आर्म में इट मूव्स फ्रॉम C टू D, सो C टू D फ्रॉम
सी टू डी एंड एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स। अच्छा, इसके बाद आपको एक चीज लिखनी है, ड्यू टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्यों लिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लिख देना है। ये जो हमने डायरेक्शन लिखी है, ड्यू टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये दीज पेयर ऑफ फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर एंड वर्क ऑन डिफरेंट टर्म्स। तो एक ही जगह पे दोनों इक्वल एंड अपोजिट करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन पे करेंगे तो एक इधर जाए और एक उधर, तब सर्वाइव करते हैं, तब टॉर्क बनाते हैं। एक ही जगह पे लगा दोगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तो कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट तो अलग अलग होने चाहिए, तो टॉर्क पर चूंकि ये अलग अलग आर्म्स में है तो ये कपल बनाएंगे। एज दीज पेयर ऑफ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्ट्स और एक्ट कर रहे हैं एट डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन, एक ही जगह नहीं काम कर रहे हैं। एक्ट्स एट फोर्सेस है तो एक्ट लिखो, एक्ट्स नहीं लिखो, एक्ट एट डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। So they produce torque. Torque का क्या मतलब है, वो rotation produce करते हैं। And armature rotates और armature rotate कर जाता है after half turn। अब ये rotate कर गया है, so after हाफ टर्न S2 स्प्लिट रिंग, जो S2 स्प्लिट रिंग है, S2 पार्ट ऑफ स्प्लिट रिंग कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ B1 ब्रश एंड S1 comes in contact of B2 brush. Now, polarity of current in each arm reverses. अब क्या होगा, जब commutator की ही direction बदल गई तो polarity का मतलब है जो करंट जिस तरह से बह रही थी उसकी अपोजिट बहेगी। पहले ए बी सी डी बह रही थी, अब ये डी सी बी ए बहेगी, क्योंकि अब ये चीज इधर आ गई। पहले ए बी सी डी बह रही थी, अब ये जब इधर आ गई तो डी सी बी ए उल्टी करंट बहेगी। देन नाउ पोलैरिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन रेक्टेंगुलर क्वाइल रिवर्सेस। पोलैरिटी भी बदल गई एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन रेक्टेंगुलर क्वाइल रिवर्सेस। अर्लियर इट वॉज ए बी सी डी, ऐसे चल रही थी डायरेक्शन, ठीक है ना। It is D C B A direction. That is in C D arm. It is from D to C. And A B arm. It is from B टू ए। हाउएवर इतना होने पर भी, नाउ इन सी डी आर्म फोर्स अगेन एक्ट्स डाउनवर्ड।
क्योंकि फोर्स अभी भी नीचे ही काम करेगा। जहां ए भी था वहां सी डी आ गया, लेकिन आर्म से थोड़ी देखता है कि आर्म कौन सी है, यहां वो देख रहा है करंट तो वही है, करंट प्लस है तो यही पहले भी वही जाएगी, पहले ए भी था, ए भी प्लस के संपर्क में था तब भी ऐसे जा रही थी, अब सी डी आ गया तो क्या हुआ, बी तो प्लस ही देगा तो अभी भी ऐसे जाएगी एंड फोर्स इसमें भी डाउनवर्ड होगा। तो इस तरीके से नाउ इन सी डी आर्म फोर्स इज स्टिल डाउनवर्ड एंड ए बी आर्म फोर्स इज स्टिल अपवर्ड, इसमें अभी भी अपवर्ड है, सो टॉर्क विल कंटिन्यू टू एक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो टॉर्क विल कंटिन्यू टू एक्ट इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एंड मोटर कीप्स ऑन रोटेटिंग या आर्मेचर, आर्मेचर अलॉन्ग विद द कंप्लीट सिस्टम अलॉन्ग विद टू मैग्नेट्स इज कॉल्ड मोटर, कीप्स ऑन रोटेटिंग। 20-30 रुपए की मोटर तो ऐसे बाजार में मिलती जो एक सेल से चल जाती है, ऐसे छोटे छोटे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां यूज, दिस इज वर्किंग, तो ये जो चीज हो जाएगी ठीक है। इफ नंबर ऑफ वाइंड्स आर इंक्रीज्ड तो क्या होगा, इफ नंबर ऑफ वाइंडिंग्स आर इंक्रीज्ड, नंबर बढ़ा दिया जाए, इफ कोर मेटीरियल इज आयरन, मेटीरियल ऑफ एक्सल इज आयरन, और द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज इंक्रीज, ये तीन चीज किया जाए, इज इंक्रीज देन पावर ऑफ मोटर इंक्रीजेस। ये आखिरी लाइन आपके इसमें है कि पावर कैसे बढ़ाई जाती है, पावर ऑफ मोटर इंक्रीजेस, क्योंकि जो फोर्स है वो क्या होता है बी आई और एल, तो करंट कैसे बढ़ाई जाए तो वो इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। बी खुद किस पे डिपेंड करता है, आर्मेचर में सॉलिनॉइड में, तो वो होता है हम लोगों ने देख लिया था म्यू एन आई नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो हमें बी बढ़ाना है ज्यादा फील्ड हो उसके लिए, कोर मटेरियल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ करंट, तो बी इन सब की वजह से आई तो यहाँ नहीं बदल सकता, आई तो यहीं फ्लो कराना पड़ेगा, लेंथ ज्यादा कर दें, इस तरीके से हम इन तरीके से क्या कर सकते हैं कि एक और चीज कही गई है, We can also replace the permanent magnet by electromagnet। वो कह रही कि आपको जरूरी नहीं है कि permanent magnet लगाओ, यहाँ electromagnet भी लगा सकते हैं, ऐसा करके हम electromagnet लगाओ, तो electromagnet क्या होता है solenoid, तो solenoid में तो अगर आपने लगा दिया तो B को कितना भी बढ़ा लो, mu बढ़ा के, N बढ़ा के, I बढ़ा के, नहीं तो permanent magnet कहाँ तक आप neodymium का खरीदोगे, वो तो कितना महंगा पड़ेगा। So If we can replace the permanent magnet by electromagnet, तो फिर हम ये सारी चीज भी कर सकते हैं उस सॉलिनॉइड में जो चारों तरफ मैग्नेट लगाएंगे, अभी ऐसे वीडियो दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि बाहर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट और अंदर जो आर्मेचर है वो भी सप्लाई से चलेगा और बाहर जो मैग्नेटिज्म है वो भी सप्लाई से ही आएगा, तो परमानेंट मैग्नेट can be replaced with electromagnet। Now there are uses of motors, electric motors कहां कहां यूज होती हैं, so electric motors ये डीसी मोटर्स हैं, एक्चुअली हम लोगों ने जो यूज पढ़ा है तो ये डीसी मोटर्स का है, अगर हमें एसी मोटर का पढ़ना है तो थोड़ा अलग होगा, तो उसमें
आधे टर्न के बाद तो अपने आप ही पोलरिटी बदल जाती है, तो हमें ऐसा उसका रोटेशन रखना होगा जो 50 हर्ट्ज है, तो थोड़ा सा अलग है। क्योंकि आप बोलोगे कि डीसी मोटर का एसी मोटर का कराना है, तो हम वो भी करा देंगे। इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड इन मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, डीसी फैंस भी आते हैं, फैंस और इसी तरीके से एटसेट्रा, और भी जो आपके मन में आ रहा हो तो वो आप लिख सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस यूजेस, इलेक्ट्रिक फैंस, फैंस भी लिखे हैं, MP3 प्लेयर्स, बुक में लिखा है, शुरू में ही लिखा है MP3 प्लेयर्स, उसमें डिस्क घूमती रहती, वॉशिंग मशीन और कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेटर के पीछे होता है जो रोटेट कराता रहता है, या फिर आपके एसी में है तो उसमें भी जो बाहर आपकी डिवाइस होती है एक्सटर्नल डिवाइस, उसमें भी ये मोटर रहती है, कंप्रेसर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एंड देर आर एंडलेस, बहुत सारे इसके वो हैं, कोई ये नहीं है कि कोई एंड हो मोटर का, कोई छोटी से छोटी भी चीज़ चलेगी तो रोटेशनली उसमें काम होगा ही। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, लेट अस सी वन मोर वीडियो रिगार्डिंग दिस सो दैट वी कैन क्लैरिफाई द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट, कि कैसे ब्रश इसको रोटेट करता है, ये सारी चीज़ें स्टिल दीज आर पेंडिंग। सो and P with brush Y. Therefore, the current in the coil gets reversed and flows along the path D, C, B, A. The reversal of current also reverses the direction of the force acting on the two arms AB and CD. Thus, the arm AB of the coil that was earlier pushed down is now pushed up, and the arm CD previously pushed reverses the direction of force in various arms, and the axle, but with respect to magnet it is same, in the same direction. The reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and the axle. क्योंकि हाफ टर्न के बाद क्या होता है कि उसका स्पार्क वो बदल जाता है, दैट इज हाफ टर्न के बाद उसका पोलैरिटी बदल जाती है, सो ड्यू टू चेंज इन पोलैरिटी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन वेरियस आर्म्स इज चेंजिंग। ओके ना, let us see one more DC motor principle. Working principle of DC motor. Working principle of DC motor is very simple. We can see turn of conductor is placed construction between two opposite poles. If we start to supply DC, इसमें एक्सल नहीं दिया हुआ system, current will start to flow. As we see, positive terminal of a battery is connected to left conductor of a turn, and negative terminal is connected to right conductor of a turn. As we see in model, north pole of the magnet is placed near left side, and south pole is placed near right side of the turn. And this is commutator. This is commutator. And current in right side flows outward. As we see, conductor is carrying current and they placed in magnetic field. Both of them experienced mechanical force acted on them. So commutator keep on rotating, however, presses are fixed. Be easily determined by applying Fleming's left hand rule. To do this, spread out your left thumb, forefinger, okay, and second finger so they are all at 90 degrees to one another.
Now, in-text questions. So, in-text questions are saying state Fleming's left-hand rule. So, what is Fleming's left-hand rule? That we have already seen. Page number 233. Okay. Second is, what is the principle of electric motor when armature is kept in magnetic field, then it experiences a torque and armature rotates. When rectangular coil, which carries current, जिसमें current हो, is kept in magnetic field, then it experiences a torque and it rotates. और ये rotate करती है. So this is the principle. So this is the principle of इलेक्ट्रिक मोटर. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर. सो थर्ड इज, रोल ऑफ स्प्लिट रिंग क्या है कि आफ्टर ईच हाफ टर्न स्प्लिट रिंग चेंजेस द पोलैरिटी. आफ्टर ईच हाफ रोटेशन स्प्लिट रिंग चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट. चेंजेस का मतलब रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच आर्म सो दैट टॉर्क रोटेशनरी फोर्स सो दैट टॉर्क कीप ऑन एक्टिंग in same direction. तो इस तरीके से ये इसका है, स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर का क्या काम है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके में सिलेबस में है सीजन, इज इट देयर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है क्या? कुछ आप क्या कर कराया नहीं गया? ये इलेक्ट्रिक जनरेटर ये सब नहीं कराया गया? ओके, नाउ अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा अच्छा ये हट गया है. नाउ एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देख लें जो हमारे मतलब के हैं, वो कर लेते हैं. एक्सरसाइजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर. पहला क्वेश्चन देखो, तो अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चारों तरफ देखोगे तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी ऑप्शन करेक्ट है. द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन वायर. क्योंकि फील्ड कैसी होगी? कंसेंट्रिक सर्कल होगी जो कि वायर पर सेंटर्ड होगी. अगर ऐसे करेंगे तो हम मैक्सवेल के थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं. तो डी ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है नहीं. द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, वो जनरेटर है, वो भी आपके में नहीं है. ओके, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ये भी नहीं है. अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? इफ अ रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी सर्किट देन दैट सर्किट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट. फिर उसमें क्या होगा कि इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगी. क्यों करेगी?
क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर. सो इफ रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी सर्किट देन, हाँ बोलो, वही अभी हम करेंगे. रिमूव फ्रॉम एनी सर्किट, तो अगर मान लीजिए यहां पर है ये है और ये एक ऐसे वायर आ जाए और ये की है तो ठीक है, कोई बात नहीं, की तो कुछ नहीं करती है, और ये आ जाए तो ऐसे केस में ये शॉर्ट सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट, तो यहां पर स्पार्क हो जाएगा. हमने ये हटा दिया और इसमें सीधा कनेक्ट कर दिया तो ये क्या कहलाएगा बोलो, क्या शॉर्ट सर्किट नहीं कहलाएगा? लाइव यानी प्लस और माइनस को सीधा संपर्क में ले आओ, बैटरी में भी कर सकते हो या कुछ भी. सो इट इज रिमूव फ्रॉम एनी सर्किट देन इट इज कॉल्ड, क्योंकि उस सर्किट में उसका नाम ही है शॉर्ट सर्किट, तो क्या शॉर्ट कर दिया आपने बताओ, बोलो, क्या उसमें एक रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया? क्या रेजिस्टेंस होता तो पूरा सर्किट होता, फुल सर्किट, और रेजिस्टेंस हटा दिया तो शॉर्ट सर्किट. अगर रेजिस्टेंस हट गया है तो आई क्या होता है बताओ, क्या वी वाई आर? और अगर आर जीरो हो गया, रेजिस्टेंस हट गया, तो आई क्या हो जाएगा? वी बाई जीरो. तो करंट कितनी हो जाएगी? क्या इनफाइनाइट एम्पियर? इफ करंट इज इनफाइनाइट तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? देयर विल बी ए स्पार्क प्रोड्यूस. सो करंट इनफाइनाइट होगी तो ये होगा. अच्छा, सो इंक्रीजेस हैविली, इसका आंसर क्या है? सी, इसी वजह से है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिक्स्थ का ए पार्ट, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या वो मैकेनिक फॉल्स हो गया, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है. मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा जो यंत्रों को चलाती हो, विच रन्स मशीन, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. अच्छा, इलेक्ट्रिक जनरेटर तो है नहीं. सी देखो, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर क्वाइल विल बी पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन. अगर लॉन्ग सर्कुलर क्वाइल है, सी देखो, ऐसा सॉलिनॉइड हो तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो भी है, फील्ड कैसी होगी बताओ? बहुत लंबी सॉलिनॉइड हो तो कैसी फील्ड की डायरेक्शन होगी लॉन्ग सर्कुलर क्वाइल में? तो क्या ये पैरेलल लाइंस होंगी कि और कोई होगी? पैरेलल ही होंगी. फिर इसके बाद ये तो ये ऐसे आ जाएगी, फिर अंदर में तो ऐसे, फिर एक एक करके यहां बढ़ाते जाओ, एक एक किनारे किनारे से उठाते जाओ, जितने बीच में बचेंगे देख लेंगे. तो अभी एक तो इधर इसके हिस्से में चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर, एक इधर, नव ये, ठीक है, एक और, एक दो, एक ही आ गया ये. तो इस तरीके से होगी द फील्ड इन साइड सॉलिनॉइड. हाउ इट इज? सो इट इज, मान लीजिए अब जैसा भी हो तो हमने ऐसा दिखा दिया है, तो ऐसा दिखाने का मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो अब हमें करंट नीचे नहीं दिखानी पड़ेगी, तभी तो उधर नॉर्थ दिखा पाऊंगा. तो सारी ब्रांच में करंट कैसे दिखा दो? नीचे दिखाओगे तभी तो थंब रूल लगा पाओगे कि कैसे ऐसे दिखाओगे. यहां ऐसे दिखाओ, इस तरीके से दिखा, तो राइट हैंड मैक्सवेल वाला ही चल जाता है. मैक्सवेल में ये हो गया नॉर्थ और ये हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इट इज कैसे दिख दें? द फील्ड एट द सेंटर ऑफ इट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, ये ट्रू है. ए वायर विद ए ग्रीन इंसुलेशन, अगर ग्रीन इंसुलेशन है तो उसे कौन सा वायर कहेंगे? अर्थ वायर कहेंगे कि लाइव वायर? तो लाइव वायर को क्या कहते हैं? रेड इंसुलेशन. और जो दूसरा वायर होता है जिसको कि न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल वायर. अच्छा, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, शॉर्ट सर्किट, ग्राउंडिंग, अर्थिंग, ये सब है कोर्स में कि ये भी हट गया है?
अच्छा, तो जब भी हो हमें बता देना, तो उसको ग्रीन वायर जो भी होगा वो अर्थ वायर होता है, अर्थिंग के लिए काम में आता है, तो हम फिर आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे। तो दिस इज अर्थ वायर, इट इज ग्रीन इंसुलेशन। लिस्ट थ्री सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे पैदा कर सकते हो? सो पहला, बाय परमानेंट मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लो। और दूसरा, बाय करंट कैरिंग वायर, बाय करंट कैरिंग वायर। और तीसरा क्या हो सकता है? बाय सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड, करंट कैरिंग, तभी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है। सॉली, हाँ यही इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसी को तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। नाउ हाउ डज ए सॉलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट? सॉलिनॉइड कैसे बिहेव करता है? कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड विद हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट? सो एट, तो कैसे ये बिहेव करता है लाइक ए मैग्नेट? सॉलिनॉइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, कहते हैं हाउ डज इट बिहेव? सो सॉलिनॉइड बिहेव्स एज बार मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फेड इन इट। इलेक्ट्रिक करंट, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फीड की जाती है तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। नाउ इफ वी फ्रीली सस्पेंड सॉलिनॉइड, अगर आप एक सॉलिनॉइड कर रख लें, ठीक है, तो और साथ में कहा गया है कि बार मैग्नेट, तो सॉलिनॉइड को इस पर लटका लो। कह रहे हैं कि कैसे पता करोगे नॉर्थ एंड साउथ पोल? सो सस्पेंड द सॉलिनॉइड फ्रीली, क्योंकि या बार मैग्नेट को लटका लो, दो चीजें, बार मैग्नेट को लटकाना आसान है, सॉलिनॉइड तो लंबा होगा। तो ऐसा होगा कि सॉलिनॉइड को तो आप ऐसे रख लो और एक बार मैग्नेट को लटका लो। सो द एंड विच रेस्ट्स, ठीक है, द ऐसे लटका लिया। सो इफ द नॉर्थ एंड रेस्ट टू वन एंड ऑफ द सॉलिनॉइड, देन दैट एंड इज ए साउथ ऑफ सॉलिनॉइड। सो इसको कैसे करोगे? सस्पेंड बार मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, वन एंड ऑफ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। इफ नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, जैसे हमने करके भी देखा था, तो सॉलिनॉइड में तो पोल एक रेस्ट कर रहा था, तो नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, इफ नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट रेस्ट्स टूवर्ड्स दैट एंड, देन इट इज साउथ पोल ऑफ सॉलिनॉइड। ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, जिधर नॉर्थ आएगा उधर, तो इट इज साउथ पोल एंड वाइस वर्सा। इसी तरीके से दूसरा नॉर्थ हो जाएगा। अच्छा, द फील्ड लाइन्स ऑफ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड्स आर लाइक बार मैग्नेट। द फील्ड, क्योंकि पूछ रहा है ना हाउ डज अ सॉलिनॉइड बिहेव, तो फील्ड लाइन्स ऑफ सॉलिनॉइड आर सिमिलर टू बार मैग्नेट। इस तरीके से, व्हेन ए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड फील्ड इज लार्जेस्ट, यानी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो फील्ड में मैं इसे कैसे रखूं? कि जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ है, साउथ है,
तो मैं इस तार को ऐसे रख दूं तो क्या चलेगा? ये है, उसी के अलोंग रख दूं तो लार्जेस्ट होगा कि परपेंडिकुलर रखूं तो लार्जेस्ट होगा? कि अब लार्ज है क्या? कि अब लार्ज है, बोलो कब लार्ज है? नॉर्थ साउथ। तो जो मैंने कहा था इस पर लगने वाला फोर्स है, वास्तव मैंने आपको पूरा फार्मूला बताया ही नहीं था, बी आई एल साइन थीटा। सो साइन थीटा कब लार्ज होता है? क्या जब वो 90 डिग्री होता है? और साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड फील्ड, तो क्या ये अभी परपेंडिकुलर हो गया है? बोलो, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन थीटा कब लार्जेस्ट होगा बताओ? साइन थीटा इज मैक्सिमम, हाँ, क्योंकि उसकी वैल्यू वन हो जाएगी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, दैट इज वायर, करंट कैरिंग वायर। मोटर में भी हमने देख लिया था कि जो ए बी सी डी में, तो बी सी आर में कोई करंट ही नहीं, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था क्योंकि वो अलोंग था। व्हेन द करंट कैरिंग वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर, टू मैग्नेटिक फील्ड, तभी लार्ज होगा। और ये फार्मूला, तो बी आई एल साइन 90 ही मैक्सिमम होगी वैल्यू। अब देखें कि थिंक यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद बैक ऑफ योर वॉल। ऐसा देखो कि आप एक चैम्बर में हो और आपके पीछे एक वॉल है। सो जस्ट सिट इन साइड ए चैम्बर, एक चैम्बर बना लो और उसमें बैठ जाओ। ये एंड यू आर सिटिंग इन दिस चैम्बर। तो नाउ दिस इज यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर, ठीक है, ऐसे बैठ जाइए आप। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन बीइंग मूविंग हॉरिजेंटली फ्रॉम बैक टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल, एक बीम यहां से निकली इलेक्ट्रॉन की और यहां चली, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की बीम है। अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या होगा, ठीक है, नाउ करंट उल्टी है, इलेक्ट्रॉन के चलने पे करंट नहीं होती है, ऑलवेज करंट इज अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट की क्या डायरेक्शन हो गई, ये हो गई। अच्छा, अब देखो इसमें फील्ड लाइंस कहाँ हैं? इज डिफ्लेक्टेड स्ट्रांगली टू राइट साइड। अब वो जो बीम है वो किधर गई? अब आप यहां बैठे हो तो आपका राइट किधर है? क्या ये सामने वाली वाल है? तो ये आगे आ गई। ये राइट का मतलब है ये आगे वाली वाल है, यही है राइट। ये जो आदमी बैठा है इसके इधर वाली वाल पे, इधर वाली वाल पे आ गई। तो क्या थंब को इधर करोगे? ये तीन उंगली उठा लो, थंब इधर। अच्छा, आई किधर करोगे? पीछे। फिर से देखो, जरा हम सारी चीजें देखें कि यहां पर फोर्स तो इधर लग रहा है क्योंकि इधर वाली वॉल की ओर वो गई। और क्या करंट पीछे है? ये देखो तीन उंगली हैं, तीनों खोल दी, लेकिन करंट तो पीछे ले जानी पड़ेगी ना, आप भी करके देख लो। अब फोर्स कैसा रहेगा? ये देखो, फोर्स इधर लॉक कर लिया और करंट किधर है? ये पीछे जा रही है, ठीक है। तो बी नीचे हो गई। अगर आपको थोड़ी असुविधा होती है तो पेज को अलट पलट लिया करो। अब देखो कि इसमें फोर्स इधर है क्योंकि पीछे से बीम आई थी, अब करंट नीचे है तो फोर्स को इधर ले लीजिए, करंट को नीचे ले लीजिए। नाउ एक मिनट, सो करंट ये है और फोर्स इधर है। ये देखो करंट इधर है, आप यहां बैठे हो तो ये है करंट, आपकी तरफ है करंट, करंट है और ये फोर्स इधर है। तो बी नीचे जा रहा है, सो इट इज बी इज डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब है आप ये ले लिया एंड फोर्स इज दिस साइड,
नाउ या फिर आप ऐसे पलट के देखो, तो यहां पर करंट ऐसी, ये देखो करंट बी नीचे, ये बी नीचे उंगली, करंट ऐसी और फोर्स इधर। तो नीचे का क्या मतलब है, नीचे कैसे करोगे? नीचे का मतलब है फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड। अब जरा देखो कि ये ऊपर नॉर्थ हो जाएगा और नीचे साउथ। इसको फिर से बताते हैं आपको जिससे कि और समझ में आ जाए, ठीक है? तो हमने देखा करंट इधर है और बी को नीचे बना दिया, तो ये करंट पीछे जा रही है और ये बी नीचे है। और आई से बी चलो तो देखो कि आपका पेन का ढक्कन किधर खुल रहा है। आई से बी चलो तो बी नीचे की ओर है, दैट इज डाउनवर्ड, ठीक है? तो आप अपने जहां पर भी बैठे हो तो आप खुद ही देख लो, अपने फिंगर से बी को नीचे कर लो, फिंगर में उसी डेस्क पर आई इधर कर लो तो एफ इधर आ जाएगा, बी नीचे कर लो। जहां बैठे हो उस चेयर को, उस टेबल को सोच लो बॉक्स है और उसमें बी को नीचे कर लो, बी नीचे कर लोगे और करंट पीछे कर लो, अपने आप फोर्स इधर आ जाएगा, ठीक है? यहां पर तो ऐसे करने पर ऐसे आ जाएगा। ये भी कर सकते हो कि बी ऊपर से नॉर्थ से नीचे आ रहा है और देखो करंट पीछे जा रही है और ये इधर की ओर निकल रहा है बीम। तो इस तरीके से नाउ आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से एक घर में बॉक्स पड़ा हो, जूते का डिब्बा पड़ा हो, तो ये बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो कि इधर की ओर फोर्स जा रहा है। परसीव करने की जरूरत नहीं, ज्यादा परसेप्शन करने के, बॉक्स में देख करके आप पता लगा सकते हो कि वेयर द थिंग्स आर गोइंग, ऐसा किया जा सकता है। अदरवाइज मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे ही एक रूम है, नाउ इस रूम में ओके इस रूम में अब आप देखो एक एक बॉक्स है। इस रूम में आप बैठे हो, ये एक बॉक्स है, तो बॉक्स में आपका फोर्स किधर लग रहा है, ये है, और अब भी नीचे कर लो और करंट पीछे कर लो, यानी ये थ्री फिंगर्स हैं, तो इसमें करंट पीछे करिए अब बी नीचे करिए, अपने आप ये देखो दिस इज फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और ये पीछे है फिंगर नीचे, ये फोर्स इधर आ गया, बी नीचे आया कि नहीं ऊपर से नीचे, और ये इधर है और ये फिंगर आ गई। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ, हाँ बोलिए एनीथिंग टू से, नहीं टेस्ट मार्क्स अब देखो अभी दो दिन और लगेगा, ठीक है? सो ये बात हो गई, इसको आप खुद करके देख लेना, ठीक है? कि इस तरफ फोर्स लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, ये ध्यान देना इधर की ओर फोर्स लग रहा है, करंट किधर है पीछे की तरफ, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर है तभी तो ये इधर आया, तो फील्ड किधर होगा, नीचे की ओर। तो अपनी फिंगर में ये तीनों चीज बना लेना, फोर्स इधर बना लेना, करंट पीछे बना लेना, तो फील अपने आप नीचे हो जाएगी ऐसे। तो फोर्स करंट पीछे है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के उल्टा करंट, फोर्स हम आपकी तरफ, तो फील नीचे। डिब्बा रखे तब भी कर सकते हो, नहीं पता चलेगा तो फिर से आप बताइएगा। नाउ नेक्स्ट इज 11th हो चुका है, प्रिंसिपल एंड वर्किंग फंक्शन ऑफ स्प्लिटिंग हो गया है, सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज, 12th क्वेश्चन भी हो चुका है, ओके 13th सिलेबस में नहीं है, 14th भी सिलेबस में नहीं है, 15th स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, 15th क्वेश्चन देखो, 15th के कुछ पार्ट आपके सिलेबस में है। अगर इस हाँ 15th देखो, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड स्टेट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस के लिए कौन सा रूल लगाओगे, पूछ रहा है,
बताओ, मैक्सवेल्स, हाँ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। कल 10:30 से आपकी जो बची हुई 3 क्वेश्चंस हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 10:30 से क्लास होगी 12:30 तक। 10 बजे से 9th का टेस्ट है, 10:30 से आपकी क्लास लेंगे। ओके अच्छा अब देखिए कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड विच इज परपेंडिकुलर। सेकंड में बताओ कि क्या होगा, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उस पर कौन सा ऐसे है। हाँ तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके नाउ थर्ड वाला हमारे कोर्स में नहीं है, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, ये भी कोर्स में नहीं है। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर्स, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन शॉर्ट सर्किट अकर्स। जैसे आपने कहा शॉर्ट सर्किट के केस में यही लिखना ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे घर में तो एसी रहता है ना। सो अगर डीसी है तो जब रेजिस्टेंस रिमूव कर दो। सो अदरवाइज व्हेन लाइव वायर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद न्यूट्रल वायर देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस थ्रू इट लीडिंग डेंजरस स्पार्क्स। इट इज शॉर्ट सर्किट। तो इसी से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, इसको लिख लेते हैं, ये काम की चीज है। जैसे मान लीजिए ये रेफ्रिजरेटर है और कोई भी चीज जिसको हम हैंडल करते हैं, तो अर्थ में ये है और इसमें एक प्लग लगा दिया, तो हमने प्लग लगा दिया और ये प्लग मेन सप्लाई से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी एक प्लग है जो कि मेन स्विच बोर्ड में लगा हुआ है और यहाँ से सप्लाई ले रहा है, स्विच ऑन है। तो ऐसी स्थिति में जब भी हम इसका डोर हैंडल ओपन करेंगे और यहाँ पीछे पानी गिर गया तो इसकी पूरी मेटल बॉडी में पानी आ जाएगा। तो हमने अगर इसको, इस डोर को ओपन किया, देन मान लीजिए आपने इसको ओपन किया, सो इस डोर को ओपन करने से देन यू आर लाइकली टू हैव सम शॉक। तो ऐसी स्थिति में यहां से एक इसकी जो बॉडी है, इसके पीछे बहुत सारी ग्रिल्स होती हैं, तो इसके ग्रिल्स में से या कहीं पर भी जो इसका मेटल पोर्शन है वहां से एक वायर लेके जमीन में गाड़ दिया जाता है, इसको अर्थिंग कहते हैं, इसका ग्राउंडिंग, इसका नाम है ग्राउंडिंग। सो इन केस देयर इज ए लीकेज ऑफ करंट देन इट इज बाईपास्ड थ्रू द मोस्ट इजिएस्ट वे, तो ये यहां से जमीन में चली जाएगी एंड वी एस्केप फ्रॉम गेटिंग एनी काइंड ऑफ शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक हमें नहीं होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक लीकेज या पानी आ गया तो इसमें से चली जाएगी, ज्यादा ज्यादा बिजली का बिल ही ज्यादा आएगा क्योंकि हम वहां से ड्रॉ तो कर ही रहे हैं करंट। तो फिर हम बाद में देखेंगे कि कई कई लोगों का 1-1 लाख रुपए बिल आ जाता है, क्यों आता है, क्योंकि हो सकता है कहीं लीकेज जो करंट का हो, जमीन में जा रही और आप सप्लाई से धड़ाधड़ लेते जा रहे हो। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक अप्लायंस विच वी आर यूजिंग, जो हम यूज करते हैं आर यूजिंग, और अगर ये ना हो तो उसमें कई बार 3-पिन वायर भी होता है कि भाई तुम ना दे सको तो जो तीसरा पिन है वो इसमें जोड़ दो और हम यहां से दे देंगे, यहां पर भी अर्थिंग है, हर एक का मेन स्विच में एक अर्थिंग वायर रहता है, वो पीछे आपके घर के पीछे जमीन के अंदर गड्ढा खोदा जाता है, 1 किलो नमक डाला जाता है उसमें डाल दिया जाता है,
तो अगर थ्री पिन है तो वो इससे सीधा ले लेगा, और जो थर्ड पिन है वो इसके मेटल से कनेक्ट कर लेगा, अपने आप लीकेज वाली करंट को उधर डाल देगा। सो विच वी आर यूजिंग, जिसके हम कॉन्टेक्ट में आते हैं, ठीक है, हैज एन अर्थ वायर विच ड्रेन्स आउट, वो क्या करता है, ड्रेन्स आउट लीकेज करंट, लीकेज करंट टू अर्थ, अर्थ तो कितना भी रिसीव कर लेगी, एंड सेव्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, हेंस इट एक्ट्स एज सेफ्टी डिवाइस। जबकि बल्ब है जिन्हें हम कभी नहीं छुएंगे, वो टू पिन प्लग होंगे, लेकिन जो हम टच करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक आयरन हो चाहे जो, उसमें थ्री पिन प्लग ही रहेगा, ओवन हो, क्योंकि हम टच कर रहे हैं उसमें, अगर ड्रेनेज या लीकेज करंट आ गई तो हमारी तो जान चली जाएगी, अब फिर वो फैक्ट्री उतना क्लेम दे नहीं पाएगी, इसलिए थ्री पिन प्लग है, कहेगी आपके अपने, आपने अपने घर में अर्थिंग कराई नहीं होगी, आपके यहाँ से अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगी, इसीलिए जान गई है। अगर दिखाने के लिए आप इसमें डालोगे थ्री पिन प्लग और वहाँ पे अर्थिंग है ही नहीं घर के अंदर, तो मारे जाओगे। तो इस तरीके से ये एक्ट्स एज ए सेफ्टी डिवाइस। व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू मेटालिक अपनी आंसर्स, तो इसका आंसर इसमें आ ही गया है, बिकॉज इट ड्रेन्स आउट द लीकेज करंट टू अर्थ एंड, या तो अगर ये ना होता तो क्या ये करंट हमारे थ्रू जमीन में जाती, थर्ड वायर ना होता तो ये कहाँ से जाती बताओ, हम भी तो कंडक्टर, लेकिन हमसे ज़्यादा कंडक्टर है कॉपर वायर, तो उसको तो सबसे इजीएस्ट पाथ चाहिए, तो अगर उसे कॉपर वायर मिल रहा तो हमसे क्यों जाएगी, हम इतने अच्छे कंडक्टर नहीं है जितना कॉपर वायर है, कॉपर वायर सेकंड बेस्ट कंडक्टर है, हमारी बॉडी और वाटर इतना अच्छा नहीं है कंडक्टर, तो उसको वो रास्ता मिल गया, आपको वो एक इलेक्ट्रॉन भी आपके पास नहीं आएगा। तो इसी वजह से एज इट ड्रेन्स आउट, तो इसलिए व्हाई इट इज़ यूज्ड नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंस, सो मेटेलिक अप्लायंसेज आर नेसेसरी टू बी अर्थ सो दैट द लीकेज करंट डायरेक्टली ड्रेन्स आउट टू अर्थ विदाउट, ठीक है, बाई पाइसिंग अवर बॉडी। मेटेलिक अप्लायंसेज आर, ठीक है, नीडेड टू बी अर्थ so that accidental leakage current, कभी कभी लीकेज करंट होगी, पानी गिर गया लीकेज करंट, या आपकी डिवाइस ही खराब है तो लीकेज करंट, ठीक है, ये डायरेक्टली goes to earth, drains out to earth, bypassing our body and we do not get any shock, ये चीज है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसके बाद हम ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी पे आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक बार हो चुका है तो हम उसमें लास्ट पे ही आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कल मॉर्निंग में हो जाएगा, हाँ शाम की क्लास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की रहेगी। ओके वेलकम वेलकम।